तब से पढ़ रहे थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब जो पढ़ रहे हैं वो नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है ठीक है तो जो पेमेंट अब हम कर रहे हैं अब इसको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे पहले और अभी के लिए तो थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखेंगे हम कि इनकम जो हम पे कर रहे हैं टू अब्रॉड और इनकम जो हम कमा रहे फ्रॉम अब्रॉड ठीक है इनकम जो हम पेमेंट कर रहे हैं बाहर माइनस इनकम जो हम कमा रहे हैं यानी ऊपर वाले का जितना भी सम्स हमने किया था पहले क्या था इनकम माइनस पेमेंट यहाँ पे हम पेमेंट माइनस इनकम कर रहे हैं ठीक है तो समझो नेट फैक्टर इनकम जो हम पे कर रहे हैं बाहर वो सौ है और यहाँ पे ये यह सौ पॉजिटिव है इसका मतलब क्या विच मीन्स दैट इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो पेमेंट हम बाहर कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो पेमेंट हमें मिल रहा है इसका मतलब क्या है एनएफआईए नेगेटिव हो जाएगा अभी तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों वहां पे बोल रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आंसर एन एफ आई ए अगर एन एफ आई ए अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब है कि हम लोग पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू इनकम अगर एन एफ आई ए पॉजिटिव आता है इसका मतलब हमें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और हम पेमेंट कम कर रहे हैं यानी एन एफ आई ए में पॉजिटिव होना बेहतर है जबकि एन एफ आई सॉरी एन एफ पी एन एफ पी ए में अगर देखो तो अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है कि बेहतर है और पॉजिटिव आता है तो मतलब पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या एन एफ पी ए अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है कि पेमेंट पेमेंट ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इनकम अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब है पेमेंट कम है एज कंपेयर टू इनकम यानी कि इस सर्कमस्टेंस में एक सेकेंड इस सरकमस्टेंस में नेगेटिव होना बेहतर है हमारे लिए इस इस केस में, राइट? Right? नेगेटिव होना बेटर है हमारे लिए बट एन लिए, अभी, नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज होके माथा पकड़ो मत अभी हम लोग सम सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ बस इतना समझेंगे क्या है कुछ नहीं है मैम इनकम जो हमें पेमेंट करना पड़ता है माइनस जो इनकम हमें मिलता है वही तो अगर पॉजिटिव है सॉरी अगर नेगेटिव है तो बेटर है इसका मतलब है हम पेमेंट कम कर रहे हैं और इनकम हमें ज्यादा मिल रहा है राइट लेकिन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं मिल हमें कम रहा है ठीक है अब एन अगर मान लो नेगेटिव हंड्रेड है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है क्या कि इनकम सपोज करो इनकम जो हम पेमेंट कर रहे हैं बाहर वो हंड्रेड है सपोज और इनकम जो हमें बाहर से मिल रहा है वो जीरो है है ठीक तो क्या होगा आंसर हंड्रेड आ जाएगा अगर इनकम जो हमें बाहर से मिल रहा है वो तीन सौ है और इनकम जो हमें बाहर पेमेंट करना पड़ रहा है इनकम जो हमें बाहर से मिल रहा है पहले वाला है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं और दूसरे वाला जो हमें मिल रहा है वो सपोज 200 है तो हमारा नेट फैक्टर इनकम जो हमें बाहर पेमेंट करना है वो 100 हो जाएगा अगेन इनकम जो हमें बाहर पेमेंट करना है और ये वाला है हमें जो मिल रहा है ठीक है तो इनकम जो हमें बाहर पेमेंट करना है वो सपोज 100 है और इनकम जो हमें बाहर से मिल रहा है वो ट्वेंटी है तो जो पेमेंट हमें अल्टीमेटली बाहर करना है वो एट्टी हो जाएगा अगर इनकम जो हमें बाहर पे करना है वो जीरो है है और इनकम जो हमें बाहर से मिलेगा वो है। तो आंसर क्या माइनस हंड्रेड यानी हमें कुछ भी बाहर पेमेंट नहीं करना है हमारे लिए अच्छी बात है इनकम जो हमें बाहर पे करना है वो सौ है और इनकम हमें जो बाहर से कुछ भी नहीं मिला वो जीरो है यानी आंसर हमारा सिर्फ हंड्रेड आएगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमें इतना अल्टीमेटली बाहर कर रहे हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट था आई होप समझ आया होगा जस्ट टेक अ स्नैपशॉट एंड जस्ट कैलकुलेट क्विकली क्विकली क्विकली

ओके सो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस अभी नेगेटिव पॉजिटिव अब अगर मैं तुमसे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि टेल मी इफ एनएफआईए इज माइनस हंड्रेड व्हाट विल बी एनएफपीए तो कैन यू टेल मी कि मैम इट विल बी हंड्रेड सो फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट क्या होता है

तो जो रुपया निकल करके आएगा दैट विल बी दी मार्केट प्राइस फॉर इंडिविजुअल सिगरेट राइट सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अच्छा फैक्टर कॉस्ट भी हम कैसे निकालेंगे अगर फैक्टर कॉस्ट हम निकाल रहे हैं तो हम एक इंडिविजुअल सिगरेट का बहुत इजीली निकाल सकते हैं टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय जितना टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हो एक का फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा तो अगर हम एक का सेलिंग वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो एक ही फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट को को लेंगे एक ही एक ही को लेंगे एक एक यूनिट यूनिट का का फैक्टर और सेलिंग प्राइस अगर हम एक यूनिट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नेट इन टैक्सेस यानी कि अगर तुम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को लेस करोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी दिन डिरेक्ट टैक्सेज एन आई टी जो एम पी में इंक्लूडेड होता है मार्केट प्राइस में टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते यानी इन दोनों को अगर डिफरेंस निकालोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू एन आई टी नेट इनडिर टैक्सेस या सब्सिडीज यानी तुम बोल सकते हो एम पी माइनस एफ सी इज इक्वल टू एन आई टी तुम ऐसे भी बोल सकते हो एन आई टी इज इक्वल टू एफ गया आई टी माइनस सब्सिडीज सब्सिडीज का मतलब इनकम टैक्स में से अगर सब्सिडीज हट जाएंगे तो नेट इनडिरेक्ट टैक्सेस निकल करके आ जाएंगे अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है तुम्हारे लिए आई कैन अंडरस्टैंड बट वी कांट हेल्प इनकम टैक्स में से अगर सब्सिडीज निकाल आईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडीज को माइनस कर दूं वाला इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज यानी रिलीफ को माइनस कर दो जो गवर्नमेंट छूट देती है तो तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल करके आ जाएगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है फैक्टर के कॉस्ट वगैरह में अगर तुम मतलब माइनस कर दोगे मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट को तो यू करके भी निकाला जा सकता है नाउ व्हेन इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे देखो मतलब दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा टैक्सेस होता है और उसके कुछ एग्जांपल दिए um, या बस और कुछ नहीं है तो एम पी क्या है मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस कैसे निकलता है अगर इस फॉर्मूला पे बेस करके निकालो तुम, तो कैसे निकल सकता है एफ सी यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस एन आई टी और एन आई टी कैसे निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट अगर निकालने जाओ तो ऐसे बोल सकते हैं एम पी माइनस एनआईटी दिस इज नथिंग दिस इज नथिंग बस बट इक्वेशन जैसा पूरा इसको कंट्रोल किया हुआ है ओके okay. सो so, पहले बोला फैक्टर कॉस्ट फिर बोला मार्केट प्राइस या हाँ मार्केट प्राइस फिर तुमको एक स्टेटमेंट आया एनआईटी और एनआईटी निकालने के लिए तुमको बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करो एनआईटी निकल जाएगा फिर बोला इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे ना तो वो एन निकल के आएगा तो मैं बोल सकती हूं एमपी माइनस एफसी इज इक्वल टू एनआईटी अगर मेरे को इसको और कॉम्प्लिकेट करना है तो मैं इसको बोल सकती हूँ कॉम्प्लिकेट क्या है? मतलब इसको अगर मैं कहीं से भी कान पकड़ू अगर मैं बोलू इसको एफ सी तो एफ सी कैसे Endless. निकाल सकते हैं बोल सकते हो सिंपली कि एमपी <coughs> <coughs> और एन आई टी का डिफरेंस होगा एफ सी अगर मैं बोलू एमपी निकालना है तो बोल सकते हैं कि एन और एफ का डिफरेंस होगा एनपी अगर एफ सी इस तरफ जाएगा तो एनआईटी प्लस एफ सी हाँ निकाल सकते हो आप एम पी और अगर एनआईटी निकालना है तो आपको पता है एनआईटी कैसे निकलेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज तो अगर अभी सबसी... मैं इसके कुछ सब्सिडीज रिलीफ है जो गवर्नमेंट देता है अच्छा। समझो एक डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट देता है एक एग्जाम है जो गवर्नमेंट देता है जैसे गैस सिलेंडर पे तुमको थर्टी परसेंट का सब्सिडी मिल गया तो जो तुमको टैक्स भरना पड़ता है एक सर्टेन अमाउंट है गवर्नमेंट वो तुम्हारे लिए भर दिया अच्छा। तो ये तुमको क्वेश्चन में दिया होगा ये तुमको क्वेश्चन में दिया होगा यानी तुम एन सिंपली निकाल सकते हो अगर तुम एन सिंपली निकाल सकते हो तो एम पी एफ सी एम कहीं से भी कुछ भी तुमको दिया जाएगा यू विल बी एबल टू कैलकुलेट यू जस्ट नीड टू नो वॉट इट इज तो एम पी और एफ सी का डिफरेंस एनआईटी होता है और एनआईटी कैसे निकलता है ये हमें पता है तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे कुछ केसेस है विच आर शो यू उसका एक स्नैप शॉट लेंगे आप ताकि आपके लिए इजी हो जाए यहाँ पे क्यों क्यों आर द केसेज यू कैन जस्ट सी इट इट्स वेरी सिंपल बेसिक्स है ठीक है कुछ तीन चार पांच केसेस है इसको आप इजीली सॉल्व करोगे यू विल गेट समथिंग यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी है सब्सिडी दे दिया है तुमको सब्सिडी बोला पॉजिटिव है तो एनआईटी नेगेटिव कैसे आएगा बताओ तो ये सम जब तुम एक बार के लिए चेक करोगे ना जस्ट टेक अ स्नैपशॉट यहाँ से धीरे धीरे फटाफट यहाँ तक गेट टू नो व्हाट आर द केसेस यहाँ